हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के 19 से 23 दिसंबर में पूछे गए 500 प्रश्नों का कलेक्शन। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर भी करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको आरपीएफ की पूरी तैयारी करवाई जा रही है, वो भी निःशुल्क। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में ही आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें, इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। देखिए दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको जो आरपीएफ की परीक्षा हुई है 19 से 23 दिसंबर के बीच में, कुल आपको मिलने वाले हैं 500 प्रश्नों का कलेक्शन। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि युवा ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो युवा ओलंपिक ये अर्जेंटीना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट टीम के चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय क्रिकेट टीम के चयन समिति के अध्यक्ष हैं संदीप पाटिल। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आरबीआई की पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? तो आरबीआई की पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी है सुधा बाल कृष्ण। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एनके सिंह। अगला क्वेश्चन था ये कि इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? तो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। देखिए, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था, खुजराव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो खुजराव जो मंदिर बनवाया था ये चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन, नील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो नील विद्रोह ये बंगाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोमीटर किस काम आता है? तो हाइड्रोमीटर आपेक्षित घनत्व के मापन के लिए काम में आता है। अगला क्वेश्चन था कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो एक्स किरणों की खोज डब्ल्यू सी रोडसन ने की थी। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति है मेजर यूरी गगरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया? तो रिवॉल्वर का आविष्कार कॉल्ट ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष ये दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला व बाल कल्याण मंत्री कौन है? तो महिला व बाल कल्याण मंत्री है मेनका गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की सबसे ज्यादा सीट किस राज्य में है? तो लोकसभा की सबसे ज्यादा सीट ये उत्तर प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं नंद किशोर सिंह। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि थैलियम का परमाणु क्रमांक क्या है? तो थैलियम का परमाणु क्रमांक है 81। अगला क्वेश्चन था कि प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनाई गई? तो प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति ये 1976 में बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना? तो भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितना जीडीपी प्राप्त हुआ? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में 3.6% जीडीपी प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल ये 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन सभ्यता में खुदाई के दौरान कांसे की मूर्ति कहां पर मिली? तो हड़प्पा कालीन सभ्यता में खुदाई के दौरान कांसे की मूर्ति ये मोहन जोदड़ो से मिली थी। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री कौन बने? तो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा प्रधानमंत्री बने थे। जीवाणु विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? तो जीवाणु विज्ञान के पिता लुईस पाश्चर को कहते हैं। कनाडा की मुद्रा क्या है? तो कनाडा की मुद्रा है कैनेडियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से लगती है? तो पश्चिम बंगाल की सीमा कुल 3 देशों से लगती है। ऑस्ट्रेलिया का नेशनल पक्षी कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया का नेशनल पक्षी है MMU। कंबोडिया की मुद्रा क्या है? तो कंबोडिया की मुद्रा है कंबोडिया एरियल। आवर्त सारणी का पहला उपधातु क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी कौन है? तो भारत के महान्यायवादी हैं के बेसुडू गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा हरितिमा योजना किस राज्य से संबंधित है? तो गंगा हरितिमा योजना ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मण झूला कहाँ स्थित है? तो लक्ष्मण झूला ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविस कप किससे संबंधित है? तो डेविस कप ये टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूछा गया था कि 86वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ था? तो 86वां संविधान संशोधन ये 2002 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है अश्विनी लोहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएसएफ का निर्माण कब किया गया था? तो बीएसएफ का निर्माण 1 दिसंबर 1965 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार की संसद ने देश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया? तो म्यांमार की संसद ने विन विंट को नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत ने कितने मेडल जीते? तो पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत ने कुल 10 मेडल जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है? तो एक्सिस बैंक के सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एकेडमी अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया गया? साइंस एंड टेक्नोलॉजी एकेडमी अवार्ड से 2018 में विकास कुमार को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, एलपीजी गैस में मुख्यतः कौन सी गैसें पाई जाती हैं? तो एलपीजी गैस में मुख्यतः ब्यूटेन गैस पाई जाती है। वायु का वेग किस यंत्र से मापा जाता है? तो वायु का वेग एनीमोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? तो डेंगू मादा एडी मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ऑफ फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्टेट ऑफ फ्रीडम पुस्तक के लेखक है नील मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम के राज्यपाल कौन है? तो असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ऊंचा होटल गेबोरा किस देश में हाल ही में बनाया गया है? दुनिया का सबसे ऊंचा होटल गेबोरा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो आसियान का मुख्यालय जकार्ता में। देखिए दोस्तों, ये इसका पार्ट 1 रहने वाला है। पार्ट 2 मैं कल नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। अगला क्वेश्चन, सारनाथ
स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण ये अशोक ने करवाया था। बारूद का आविष्कार किसने किया था? तो बारूद का आविष्कार रोजर बैकन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल ये दाब की इकाई है। अगला क्वेश्चन, विद्युत सेल में किस प्रकार की जैसे होती है, विद्युत सेल में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो प्रथम परमाणु परीक्षण ये 18 मई 1974 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस देश की नौसेना ने सफलता पूर्वक हर बार नौसेना क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो पाकिस्तान देश ने नौसेना में सफलता पूर्वक हर बार नौसेना क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश का संविधान अलिखित है? ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। अगला क्वेश्चन, देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो देव समाज के संस्थापक थे श्री दयालु नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश दोहरी नागरिकता देता है? तो स्विट्जरलैंड देश ऐसा है जो कि दोहरी नागरिकता देता है। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं पल्स एस वक। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। सोल्डर किस धातु का मिश्रण होता है? तो सोल्डर लेड और टिन का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का भार अधिकतम कहां पर होता है? तो किसी वस्तु का भार निर्वात में अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपनी नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागी थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ये नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्यागी थी। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जालियांवाला जो बाग जो हत्याकांड हुआ था ये कौन से सन में हुआ था और ये कहां पर हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड ये अमृतसर में हुआ था, आपको ध्यान में रखना है। और ये कौन से सन में हुआ था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। रेफ्रिजरेटर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में फ्रियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। ग्राम पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? तो ग्राम पंचायत के चुनाव राज्य सरकार करवाती है। हमारे शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? तो हमारे शरीर में रक्त जमने से हीपेरिन रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO देशों ने टीबी को जड़ से समाप्त करने के लिए कब तक का लक्ष्य रखा है? तो WHO ने टीबी को जड़ से समाप्त करने के लिए 2030 तक का लक्ष्य रखा है। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था इमर्शन। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो जगन्नाथ मंदिर ये पुरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया में स्थानीय स्वशासन किसने शुरू किया? तो इंडिया में स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइगर स्टेट के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है? टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश राज्य जाना जाता है। वोडाफोन और आइडिया के नए सीईओ कौन है? तो वोडाफोन और आइडिया के नए सीईओ हैं वाले शर्मा। अब आपको यह भी याद पता होना चाहिए कि वोडाफोन और आइडिया ये दोनों कंपनियां आपस में मर्ज हो चुकी हैं। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। अब आपको हीराकुंड के बारे में कुछ पता होना चाहिए। हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है और ये महानदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो नर्मदा नदी ये पश्चिम की ओर बहती है।
भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत में प्रथम सीमेंट ये चेन्नई में स्थापित हुआ। अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? तो अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री ये सूरत में लगाई थी। सबसे बड़ा संघ राज क्षेत्र कौन सा? तो सबसे बड़ा संघ क्षेत्र राज्य अंडमान निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइटन किसका उपग्रह है? तो टाइटन शनि ग्रह का उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मघाती थैली किसे बोला जाता है? तो आत्मघाती थैली लाइसोसोम को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन, मानव हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं? तो मानव हृदय में कुल 4 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो मानव मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था, यहां पर कौन सी संख्या आएगी? तो यहां पर 625 संख्या आ जाएगी। ये मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है और वह 2% की दर से बढ़ रही है, तो एक वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या रही होगी? आंकड़ों से अलग थे। ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग का पूछा गया, VSPM, यहां पर कौन सी वो कौन सा शब्द आएगा? तो यहां पे अल्फाबेट आएगा J। ये आपका मैथ का क्वेश्चन पूछा गया, किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, तो संख्या बताइए। तो संख्या होगी 175। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, असम का लोक नृत्य कौन सा है? तो असम का लोक नृत्य है बिहू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा कहां पर है? तो हुमायूं का मकबरा ये दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा है रशियन रूबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया, उबेर कप का संबंध किस खेल से? तो उबेर कप का संबंध है बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर की राजधानी क्या है? तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? तो मणिपुर के मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह। अगला क्वेश्चन, पोटेशियम का प्रतीक, तो पोटेशियम का प्रतीक होगा के। अगला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविड बेकम किस खेल से संबंधित है? तो डेविड बेकम ये फुटबॉल से संबंधित है। भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं जगत प्रकाश नड्डा। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। धातु को पतली तार बनाना उसके किस गुण को प्रदर्शित करता है? तो धातु को पतली तार बनाना ये उसके तन्यता गुण को प्रदर्शित करता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होगा KOH। रामेश्वर में अब्दुल कलाम स्मारक का उद्घाटन किसने किया? तो रामेश्वर में अब्दुल कलाम स्मारक का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे की चमक का कारण? तो हीरे की चमक का कारण होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये आपका मैथ का सॉरी ये आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है रीजनिंग का, कोई व्यक्ति अपनी चाल का 4/5 से चलकर 10 मिनट देरी से पहुंचता है, यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय चलेगा? ये साल हो, साल नहीं ये चाल होगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यह आपका मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था कि एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 2 मिनट में पार करती, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल का विभाजन ये 1905 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो लखनऊ ये गोमती नदी के किनारे बसा है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। आमिर खान को 2017 में किस फिल्म के लिए अवार्ड मिला था? तो आमिर खान को 2017 में दंगल फिल्म के लिए अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केनरा बैंक के सीईओ कौन है? तो केनरा बैंक के सीईओ है राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम का प्रतीक क्या होता है? तो हीलियम का प्रतीक HE होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होगा? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होगा HCl।
अगला क्वेश्चन, झारखंड का लोक नृत्य क्या है? तो झारखंड का लोक नृत्य है छाऊ। छाऊ। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? तो अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है गल्फ स्ट्रीम। गृह मंत्री कौन है? तो गृह मंत्री है भारत के राजनाथ सिंह। भूकंप तरंगे रिकॉर्ड की जाती हैं किससे? तो भूकंप तरंगे रिकॉर्ड की जाती हैं सीस्मोग्राफ से। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी जैन धर्म से किस नंबर के तीर्थकर थे? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें नंबर के तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बावनवा ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया 2016 में? तो बावनवा ज्ञानपीठ पुरस्कार ये दिया गया संखा घोष को। अगला क्वेश्चन, ऊर्ध्वपातन क्या है? तो ऊर्ध्वपातन ठोस का सीधे गैस में मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से? तो मेजर ध्यानचंद का संबंध है हॉकी से। आसा धातु किसे कहा जाता है? तो आसा धातु यूरेनियम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। अगला क्वेश्चन, समुद्र का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? तो समुद्र का देवता 2019 में ग्रह को कहा जाता था। ये 2019 में थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला, कि आरबीसी की मृत्यु कहां पर होती है? तो आरबीसी की मृत्यु प्लीहा में होती है। ये आपका मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था कि श्याम के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर 20% की कमी की गई, तो उसे लाभ हुआ या हानि, प्रतिशत बताएं। 4%।